गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेहतरीन प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्नों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका, आप प्रश्नों को आराम से सुनिए और कोशिश कीजिए इसका उत्तर देने का। चलिए बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे भी बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? पहाड़िया रिवेलियन, राजमहल हिल्स रीजन, चुवार अपराइजिंग, जंगल महल रीजन, नैकड़ा मूवमेंट से केरला। विच आर द करेक्ट कोड आर गिवन? ओनली वन एंड टू। इसमें पहाड़िया और चुवार दोनों सही है। पहाड़िया रिवेलियन, द ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन देयर टेरिटरी लीड टू दिस अपराइजिंग बाय द मार्शलियल पहाड़िया ऑफ राजमहल हिल्स इन 1778। द ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू देयर इन पीस बाय डिक्लेयरिंग देयर टेरिटरी एज ए दामिन को रीजन। वाइल्ड चुवार अपराइजिंग, फेमाइन, इनहेंस लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, चुवार एब ओरिजिनल ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल महल ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल टेक्स अप आर्म्स, हथियार उठा लिया। और एक है नैकाड़ा मूवमेंट, ये 1860 में हुआ था मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ये भी मतलब ब्रिटिश के खिलाफ और कास्ट हिंदूज के खिलाफ हुआ था नैकाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल फ्रंटियर मूवमेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम मेनलैंड ट्राइबल मूवमेंट? नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट वेयर ऑफन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। जो नॉर्थ ईस्टर्न के ट्राइबल रिवोल्ट्स थे वो अक्सर इस बात को स्वीकार करते थे कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया जाए हमारे भारत के अंदर ही। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल मूवमेंट्स वेयर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड। द फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर द ब्रिटिश कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर टाइम देन द मेनलैंड ट्राइबल मूवमेंट। तो मेनलैंड ट्राइबल और नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल मूवमेंट एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है सोचिए। पहला स्टेटमेंट आई थिंक एक दो तीन, तीनों के तीनों सही है। द मूवमेंट्स ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर वे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स। हाउ? फॉर वन थिंग, ट्राइब्स विच शेयर अ ट्राइबल और कल्चरल लिंक्स विद द कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ मच विद द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। उनको राष्ट्रीय संघर्ष से कोई मतलब ज़्यादा नहीं था। देयर रिवोल्ट्स वेयर ऑफन इन द फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से मतलब थी, वो इंडियन यूनियन के अंदर ही रहना चाहते थे। दूसरा बात है कि दीज मूवमेंट्स वेयर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड, ये फॉरेस्ट बेस्ड नहीं था, ठीक है, या एग्रेरियन रिवोल्ट्स। दीज ट्राइबल्स वेयर जनरली इन कंट्रोल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया। द ब्रिटिश इंटर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मच लेटर देन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल्स एरिया। नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरिया की तुलना में ब्रिटिश ने जो नॉर्थ ईस्टर्न में प्रवेश किया वो बहुत लेट से किया, तो उनको ये चिंता नहीं सता रही थी,
कि वो फॉरेस्ट बेस्ड नहीं था ज़्यादा। तीसरा जो है ना, जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर द ब्रिटिश कंटिन्यूड लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग देन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स। डी संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स ऑल्सो स्प्रेड अमोंग द फ्रंटियर ट्राइबल। डी संस्कृताइजेशन मिटीज ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ड्यूरिंग द चरचांद महाराज बिटवीन 1891 to 1941 टू डिनाउंस द माला प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू वैष्णवाइट ब्राह्मीन। संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स वेयर ऑलमोस्ट टोटली अब्सेंट। याद रखिएगा, संस्कृताइजेशन जो संस्कृतिकरण है, जो संस्कृति मूवमेंट है या संस्कृति संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स, ये टोटली का टोटली अब्सेंट था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन में इन द कॉलोनियल पीरियड ऑफ वो। तो संस्कृताइजेशन मूवमेंट जो था वो अब्सेंट था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गुसन कॉलेज। वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर थे, ये को फाउंडर थे, नॉट फाउंडर, को फाउंडर। फर्गुसन कॉलेज के भी को फाउंडर थे। ही वॉज ए फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, केसरी का पहला एडिटर वही था। ही स्टार्टेड पीरियोडिकल सुधारक विच स्पोक अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाया था। इसके बारे में बताया जा रहा है ये सब। केसरी के पहले एडिटर क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या ज्योति राय, क्या देशमुख ज्योतिराव फुले, नारायण मल्लार जोशी। गोपाल गणेश अगरकर एक एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र से। बहुत बड़े एडवोकेट भी थे। किस बात के लेकर? ह्यूमन रीजन को लेकर। ही क्रिटिसाइज द ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। ये सब के लिए बिल्कुल विरोधी थे। अपने पास्ट का ग्लोरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले हकीकत तो समझ लो। ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ अ न्यू इंग्लिश स्कूल एंड डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्गुसन कॉलेज। ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ फर्गुसन कॉलेज, वो प्रिंसिपल भी थे फर्गुसन कॉलेज के। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी द जर्नल, जो कि स्टार्टेड किया गया था बाद में आगे चल के लोकमान्य तिलक द्वारा। लेटर ही स्टार्टेड इज वन पीरियोडिकल साप्ताहिक पत्रिका सुधारक, उन्होंने बाद में स्टार्ट किया सुधारक, विच स्पोक अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, जिसमें उसने बात की अनटचेबिलिटी की और कास्ट सिस्टम का, कि बंद करो सब अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस बात को समझ लेना है कि यहाँ पर सुधारक जो है उनका अपना पत्रिका था जो साप्ताहिक रूप से निकालते थे वो। अगला है एम ऑफ जस्टिस मूवमेंट। तो ये तो सीधी से बात है, मंदिर वाला प्रवेश वाला था क्या? तो सिक्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन द लेजिस्लेचर। जस्टिस मूवमेंट जो है वो टू सिक्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स इन द लेजिस्लेचर। जस्टिस मूवमेंट ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था सी एन मुदलियार के द्वारा। और भी थे, त्यागराज जी थे, नायर जी थे, टी एम नायर, त्यागराज, इन्होंने सिक्योर किया जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन का नॉन ब्राह्मण्स के लिए, खास विधायक में। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसका डिमांड था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो लोअर कास्ट का लेजिस्लेचर में। तो याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी इसलिए स्थापित की गई थी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो खास करके जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका लेजिस्लेचर में कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जस्टिस मूवमेंट भी उसी से जुड़ा हुआ था।
ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वर टू काइंड्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, एक थे रिफॉर्मिस्ट, दूसरा था रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, इसमें रिवाइवलिस्ट कौन थे और रिफॉर्मिस्ट कौन थे। रिफॉर्मिस्ट में सुधारवादी और रिवाइवलिस्ट में परिवर्तनवादी, पूरा परिवर्तन चाहते थे, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देवन मूवमेंट। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब देखिए, आर्य समाज जो था ना वो रिफॉर्मिस्ट था कि रिवाइवलिस्ट था, बताइए। ये रहा आपके ऑप्शन। देवन मूवमेंट तो बिल्कुल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो लेट्स सी, इसका सही जवाब है 1 और 3। देवर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। एक था रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी। इस मूवमेंट में क्या होता था, ये मूवमेंट्स जो है रिस्पोंडेड द टाइम एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड मॉडर्न एरा को स्वीकार करना चाहते थे। जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या थे, ये सब मूवमेंट ये समय और परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को ढालना चाहते थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट, मॉडर्न एरा को स्वीकार करना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पत्रिकाएं पढ़ना, उसको उसकी खूबियों, साइंटिफिक विचार को अपनाना। जबकि रिवाइवलिस्ट जो थे ना वो थोड़ा सा अपने जो पुनर्विचार की जो लोग मतलब कथाएं थी, जो क्या कहते हैं मतलब पास्ट की जो कथा गाथा थी उसको फिर से उठाना चाहते थे। दिस मूवमेंट्स स्टार्टेड रिवाइविंग द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस एंड थॉट्स एंड बिलीव द वेस्टर्न थिंकिंग रूइंड द इंडियन कल्चर। उनका लगभग उनका मानना था ना कि ये जो वेस्टर्न थिंकर्स है ना और वेस्टर्न थिंकिंग हमारे इंडियन कल्चर और इथोस को नुकसान पहुंचाया है, बर्बाद किया है। तो हमें पुनः अपने प्राचीन, अपने विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मान्यताएं, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को फिर से जागृत करना होगा। सम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जैसे कि आर्य समाज, शुद्धि आंदोलन चलाया था उन्होंने, देवन मूवमेंट, कहीं ना कहीं ये लोग रिवाइवलिस्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रोसिक्यूसर ऑफ प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन आ गया था, ये पूछा जा रहा है। व्यापम मंडल, स्वदेश बंधव समिति, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो इसमें आपको पता होगा इंडियन लिंक की स्थापना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, सब ये सब पहले हुआ था 1885 से पहले। तो 4-5 तो डेफिनेटली होगा। इसका सही जवाब है 3 और 5, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ना वो बहुत बाद में हुआ था। क्या 3 और 5? व्यापम मंडल की स्थापना जो है ना बहुत बाद में हुई थी। व्यापम मंडल वॉज फॉर्म बाय द दामोदर हरी और बालकृष्ण हरी, दामोदर हरी और बालकृष्ण हरी के द्वारा, जो कि चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, वो 1896-97 में पूना में हुआ था व्यापम मंडल की स्थापना। 1896-97 में पूना में चापेकर बंधु के द्वारा। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इट एम टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनियस प्रोडक्ट, मतलब स्वदेश वस्तुओं को बायकॉट करना था, फॉरेन गुड्स को, स्वदेश बांधव। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अगर देखेंगे तो हम लोग, इसकी स्थापना 1870 के आसपास होती है, 2 अप्रैल 1870। ऑरिजिनली बिकॉज द डिसकंटेंट ऑफ द पीपुल ओवर रूइनिंग द लोकल टेम्पल, इट वॉज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी एंड चिपलांकर, SH चिपलांकर। इट स्टार्टेड विद द एम ऑफ वर्किंग एज ए मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपुल ऑफ इंडिया एंड पॉपुलराइज द
पीजन लीगल राइट्स, ये खास करके पीजन लीगल राइट्स के बातें करते थे। तो आपको पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना याद रखनी है, 1870 में हुई थी। इसके फाउंडर थे महादेव गोविंद नराडे, इसके अलावा वासुदेव जी थे और चिपलांकर जी थे। ओवरऑल इनका मुख्य मुद्दा था पीजन के लीगल राइट को एक तरह से मान्यता प्रदान कराना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है तारकनाथ दास के द्वारा 1905 में कैलिफोर्निया में। इंडियन इंडिपेंडेंस तारकनाथ दास 1905 इन कैलिफोर्निया। एम था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना और ऑर्गेनाइज करना उन लोगों को जो हमारे भारत के बाहर रहते थे, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। रही बात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना दादाभाई नौरोजी द्वारा 1866 में किया गया इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल इन लंदन। इट वॉज प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द मैटर्स एंड आइडियाज अबाउट इंडिया एंड प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस टू द गवर्नमेंट। तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, किसके किसके साथ, कुछ भारतीय और कुछ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल लोग मिलकर लंदन में। हु अमोंग द फॉलोइंग वेयर मॉडरेट लीडर्स, एम जी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्य अय्यर। तो मॉडरेट लीडर में अश्विनी कुमार दत्त तो आएंगे नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब बाल गंगाधर तिलक तो मॉडरेट थे ही नहीं। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये तो होगा नहीं। और रही बात अश्विनी कुमार दत्त भी नहीं होंगे, दोनों को तो छाट देना चाहिए, दो तीन शुड बी नॉट इन योर आंसर। तो ये तो केवल आंसर 1-4-5 ही होगा। मॉडरेट लीडर्स ऐसे लीडर को कहा गया है जो लिबरलिज्म पे विश्वास करते हैं, मॉडरेट पॉलिटिक्स पे विश्वास करते हैं। ये ब्रिटिशर्स को बुरा नहीं मानते थे, वो चाहते थे ब्रिटिश लोग जो है ना हमारे भारत को समझे पहले, वो बदलाव चाहते थे। वो विश्वास करते थे कि रूलर्स बिकम अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द इंडियंस देन दे वुड इम्प्रूव द सेम, उसका वो अच्छा करने लगेंगे। जब वो भारत को समझ जाएंगे तो भारत के प्रति वो ठीक से व्यवहार करेंगे। और इस बात को अचीव करने के लिए दे ट्राई टू यूनाइट द पब्लिक, एजुकेट देम, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। यूनिटी वॉज यूज फॉर द ब्रिटिश फोर्स टू रिफॉर्म इन पॉलिटिक्स पॉलिसी एंड ब्रिंगिंग देम इन द लाइन ऑफ ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। मतलब सीधा सीधा प्रार्थना, प्रेयर, पिटीशन, यही सब पे विश्वास था उनको। जैसे कि कुछ अगर लीडर की बात कर ले तो ए हुम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवी, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानाडे, सुब्रमण्य अय्यर, ये सब इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जिन्हें आप याद रखिए। दे टुक मोर अग्रेसिव अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, ये कुछ और लोग थे, ये टिपिकली यंगर थे जिसकी बात हम लोग अग्रेसर के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडरेट नहीं थे, ये गर्मवादी खून के थे। दे डू नॉट बिलीव इन द सॉफ्ट एंड परसुएड अप्रोच, वो नहीं चाहते थे कि प्रार्थना, हाथ जोड़ के पूजा पाठ किया जाए, नहीं, ये मॉडरेट लीडर के अपोज में थे। दे डिड नॉट स्टिक द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग संवैधानिक तरीके से इनसे अपने ही देश में रहकर हाथ जोड़े। दे रिस्टोर्टेड बायकॉट स्ट्राइक्स, दे ऑल्सो बर्न फॉरेन मेड गुड्स, उन्होंने वस्तुओं को जलाया, खास करके जो फॉरेन मेड्स थे। दे बिलीव इन द कन्फ्रंटेशन रेदर देन द परसुएशन, वो कन्फ्रंटेशन पे विश्वास करते थे ना कि परसुएशन पे। इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे कि लाल लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, ये सब ऐसे लीडर थे जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट अलग है, याद रखिएगा, ये लोग हिंसा करते थे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप।
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडरेट लीडर्स के बारे में पूछा जा रहा है. दे वॉन्टेड मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट इंस्टेंट इन द ब्रिटिश रूल. ये तो जनरल सी बात है. दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ PPP यानी पिटीशन प्रेयर और प्रोटेस्ट. दे वॉन्टेड टू इनकलकेट प्राइड्स इन इंडिया ग्लोरियस कल्चर एंड जनरेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. ये तो नहीं होगा. They were guided by the principle of Swarajya, Swadeshi, boycott of foreign goods and national education to make Indians aware. Incorrect नहीं पूछा, correct. तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो तीन और चार नहीं होना चाहिए आंसर में. तो तीन यहाँ यहाँ, तो सीधा सीधा एक आंसर होगा. Moderate political activity involve constitutional agitation within the confines of law. एंड उन्होंने स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस की बात की. मॉडरेट्स बिलीव बेसिकली वो चाहते थे कि ब्रिटिश सुधर जाएं, वो चाहते थे कि उनको भी इंडियंस के प्रति थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना चाहिए. जस्ट टू इंडियंस बट नॉट अवेयर अबाउट द रियल कंडीशन. वो अंग्रेज को कहते थे कि ये लोग जो है ना, अंग्रेज लोग हैं ना, वो भारत को समझ नहीं पाए हैं. उनको समझना जरूरी है. जब वो समझ जाएंगे तो हमारे से तो बुरा नहीं करेंगे. और रियल ये Therefore, if the public opinion could be created, इसलिए अगर पब्लिकों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, in country, the public demands be presented to the government through the resolution, petition, meeting, the authority would concede these demands gradually. धीरे धीरे करके ब्रिटिश उनकी मांगों को सुनेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें अपने आप गले लगा लेंगे. They aim at administrative and constitutional reforms. They wanted more Indians in the administration and not on the end of the British rule. They were inspired by the ideas of the Western philosopher like Mill है, J.S. Mill, Burke है, Spencer है, Bentham है. उनके विचारों से वो लोग प्रभावित थे. Moderates imbibed Western ideas of liberalism, democracy, equity. फ्रीडम सब चाहते थे वो लोग. लिबरलिज्म तो यही चाहता ही है. दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ 3P. 3P पे विश्वास करते थे. पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट. दे बिलीव द कॉपरेशन इन कॉपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन. कॉपरेशन और रिकॉन्सिलेशन में इनको बहुत प्यार था. जबकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू इनकलकेट प्राइड राइट इन इंडियाज ग्लोरी कल्चर. भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो ग्लोरियस कल्चर है, उसको हम फिर से इनकलकेट करना चाहते हैं, अपने अंदर उतारना चाहते हैं और भारत की भारतीयता और राष्ट्रीयता की बोध कराना चाहते हैं. स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म पे विश्वास करते थे. दे इन्वॉल्व गॉडेस काली दुर्गा को स्ट्रेंथन टू फाइट फॉर दी मदरलैंड. अपनी मातृभूमि की आज़ादी की लड़ाई के लिए वो माँ दुर्गा की पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे, गंगा नहाते थे, तिलक लगाते थे. दे वेयर गाइडेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ स्वराज्य, स्वदेशी, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. नेशनल एजुकेशन पे विश्वास करते थे. वट वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर मॉडरेट लीडर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट्स की क्या भूमिका रही है. ऑर्गेनाइज द मास मूवमेंट, इकोनॉमिक क्रिटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, डिफेंस ऑफ सिविल सर्विस राइट्स, इनकरेज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. बताइए. तो मास मूवमेंट तो उन्होंने कभी किया ही, पहली बात. तो एक नंबर तो होना नहीं चाहिए. लेट्स सी, दो तीन चार. यस, कुछ इंपॉर्टेंस अगर योगदान की बात कर ले उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने जोरदार इकोनॉमिक क्रिटिक, मतलब उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही भयानक क्रिटिसिज्म किया ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का. साम्राज्यवाद है ये लोग, साम्राज्यवाद ये लोग नेशनलिस्ट ने, अर्ली नेशनलिस्ट जैसे कि दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनसा वाचा और भी अदर. अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उन्होंने केयरफुली एनालाइज किया इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द ब्रिटिश रूल का. भारत सरकार, भारत में ब्रिटिश रूल जो है किस प्रकार से हमें खोखला बना रहा है, किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी हमसे ही छीन के ले जा रहा है, ये बताया गया. उन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में लिखा. उन्होंने बताया कि ड्रेन थ्योरी कैसे आखिर ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है.
दे अपोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिकली सेल्फ सफिशियंट इंडियन इकोनॉमिक इनटू द कॉलोनियल इकोनॉमिक. सेल्फ सफिशियंट इंडियन इकोनॉमिक किस प्रकार से कॉलोनियल इकोनॉमिक बन गई, कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल. एक बड़ा बहुत बड़ा सप्लायर किस प्रकार से एक उपभोक्ता बन जाता है, वो भी खाली फिनिश्ड गुड का, अंग्रेजों का. ये कैसे तब्दील हो गया आखिर. दस कह सकते हैं द मॉडरेट्स वेयर एबल टू क्रिएट ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन. ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बनाने में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में बहुत ही गंभीर रोल निभाया. मेजर कॉज ऑफ इंडिया का जो गरीबी का बड़ा कारण, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से जाहिर किया, ये ब्रिटिश कॉलोनिज्म ही है. हालांकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की भी बहुत भरपूर कोशिश की. उनके द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड किए गए, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल का विस्तार हो, ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस होना चाहिए, रिफॉर्म्स ऑफ द काउंसिल, अधिक से अधिक पावर दिया जाना चाहिए हम लोगों को, अधिक से अधिक हम लोगों को फिनेंशियल पावर देना चाहिए. इसके चक्कर में उन लोगों ने कई सारे एक्ट भी पास किए, जैसे कि अगर बात करें अर्ली नेशनलिस्ट वर्क लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में खेला करते थे, वो डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे. उनका डिमांड आगे चल के धीरे धीरे पूरा भी हुआ. कुछ मामले में देखा जाए तो 1892 के एक्ट में आप उनके प्रभाव को देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट में. डिफेंस ऑफ सिविल राइट, अगर सिविल राइट जैसे कि राइट टू स्पीच की बात करें, थॉट, एसोसिएशन, फ्री प्रेस, इसके अलावा कैंपेन करना, नेशनलिस्ट वेयर एबल टू स्प्रेड मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, सिविल राइट्स बिकम द इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. यही सिविल राइट्स आगे चल के हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन गया. इट वॉज ड्यू टू द इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस दैट देयर वर अ ग्रेट पब्लिक आउटरेज ऑफ द अरेस्ट ऑफ तिलक. तिलक का जब गिरफ्तारी हुआ तो जोरदार इसका विरोध भी हुआ, और भी जो जर्नलिस्ट थे उनका जो विरोध, उनका जो गिरफ्तारी हुआ तो भी उसका बम्पर विरोध हुआ, जैसे कि नाटू ब्रदर्स का जब गिरफ्तार हुआ था तो नाटू ब्रदर्स जो कि बहुत चर्चा में है, नाटू यू नो नाटू, और ये नाटू ब्रदर्स ही हैं जो आज हम लोगों को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिलाए और यही ऑस्कर भी विजेता बन गए. तो इन्हीं के जब 1897 में 1897 में जब अरेस्ट हुआ थे नाटू, तो नाटू ब्रदर्स के ट्रायल में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. श्यामजी कृष्ण वर्मा का क्या योगदान रहा है. सबसे पहली बात, श्यामजी कृष्ण वर्मा ही इस्टेब्लिश गदर पार्टी इन द सैन फ्रांसिस्को. श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी. ही फाउंडेड द इंडिया हाउस एज ए हॉस्टल फॉर द इंडियन स्टूडेंट इन लंदन. ही स्टार्टेड द जर्नल जिसका नाम रखा गया इंडियन सोशलिस्ट. ही फाउंडेड द फर्स्ट टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान. ये तो अतिशयोक्ति हो गया, ये सही है, ये भी सही है. गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में उनके द्वारा स्थापना नहीं किया था, वो लाला हरदयाल थे, सोन सिंह भाकना था. और बात करते हैं, एक स्टेटमेंट गलत है और रही बात दो तीन तो डेफिनेटली होगा, तो दो तीन ही सही है. तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक इंडियन रेवोल्यूशनरी फाइटर, लॉयर, जर्नलिस्ट, वो बहुत ही क्रांतिकारी, ध्यान रखिएगा क्रांतिकारी नेता थे, वो क्रांतिकारी थे. उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तीनों चीज. होम रूल सोसाइटी इन लंदन में, इंडिया हाउस लंदन में और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में, तीनों लंदन में बनाया गया था. इंडिया हाउस रैपिडली डेवलप्ड एज ए ऑर्गेनाइज मीटिंग हॉल, एक तरह से मीटिंग हॉल बन गया, वो रेडिकल नेशनलिस्ट लोगों का एक तरह से घर बन गया. इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर आते थे, तैयारियाँ करते थे, दिमाग लगाते थे किस तरह से आखिर इन ये जो साम्राज्यवाद है उसका अंत हो. तो दिस इज द सेंटर फॉर रेवोल्यूशनरी इंडियन नेशनलिस्ट आउटसाइड इंडिया. तो भारत में एक तरह से राष्ट्रवादी गतिविधियों को एक तरह से हवा देने के लिए, एकजुट करने के लिए
भारत के बाहर एक बहुत बड़ी लहर चलाने के लिए, ये बहुत ही काफ़ी थे। मोस्ट ऑफ द फेमस मेंबर्स ऑफ दिस अगर कहा जाए तो एक तो वीर सावरकर का नाम लिया जाता है इंडिया हाउस में, वो या इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इंडियन सोशोलॉजिस्ट एक इंडियन नेशनलिस्ट जर्नल था जो कि 20वीं सदी में छपता था, और इसका सबटाइटल जो था एक ऑर्गन ऑफ फ्रीडम था। इसका सबटाइटल का नाम था ऑर्गन ऑफ फ्रीडम पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। द जर्नल वाज एडिटेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 टू 1914, देन बिटवीन 1920 टू 1922। तो 1905 से 1914 फंसा छपा, उसके बाद 1920 से 22 में उन्होंने इस बात को मतलब छपाते रहे। गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 में किया गया था, हालांकि यूनाइटेड स्टेट में ही किया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूनाइटेड स्टेट में है। उनके लाला हरदयाल, सुवन सिंह भाकना कुछ इसके लाला हरदयाल इसके मतलब लीडर थे, सुवन सिंह भाकना उसके प्रेसिडेंट थे। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द इंडिया एट काबुल में, राजा महेंद्र प्रताप का नाम आप जानते होंगे। अफगानिस्तान एज दी गवर्नमेंट इन द एक्साइल फॉर फ्रीडम फ्री हिंदुस्तान दिसंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही हिमसेल्फ इट्स प्रेसिडेंट मौलवी बरकतुल्ला वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड मौलवी अबीदुल्ला सिंधी वाज़ द होम मिनिस्टर। तो अफगानिस्तान में अगर सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो महेंद्र प्रताप का नाम याद रखेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है। लॉर्ड मिंटो वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड मिंटो था। कृष्ण कुमार मित्र जो थे उन्होंने अपने जनरल संजीवनी के माध्यम से उन्होंने लीडरशिप एक एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया था, एंटी पार्टीशन। कृष्ण कुमार मित्र, क्या कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपने जनरल संजीवनी के माध्यम से एंटी पार्टीशन चलाया गया। स्वराज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एट कलकत्ता सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादाभाई नौरोजी। क्या स्वराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल घोषणा किया गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कलकत्ता सेशन में बिल्कुल नहीं हुआ था, ना ही दादाभाई नौरोजी। गोल तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाद में बना, बहुत आगे चल के 1929 में स्वराज। हालांकि शब्द का इस्तेमाल उनके द्वारा जरूर किया गया लेकिन गोल नहीं। तो लॉर्ड मिंटो देखिए 1911 में लॉर्ड मिंटो ही था उसमें, मिंटो प्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो दो और तीन सही दिया हुआ, हालांकि हाउ इट पॉसिबल, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है कि ये आप क्या समझ बैठे। चलिए इसका सही जवाब दो और तीन ही है, तो बात करते हैं आखिर क्यों वन तो स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था, और उस समय बाटिस उस समय लॉर्ड कर्जन था। जी हाँ बिल्कुल, बात यहाँ पर इस बात की हो रही कि इंडियन नेशनलिस्ट ने इसका बहुत ज़ोरदार अपोज किया, और फाइनली जाके मिडिल क्लास का प्रेशर भी रहा बहुत, नेशनल वाइड मास मूवमेंट होने लगा पूरा। तब जाके 1903 से 1905 का जो पीरियड था वो लगता है जैसे कि इसमें कुछ लीडरशिप जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय एडॉप्टेड मेथड्स फॉर द पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पिटिशन टू द गवर्नमेंट उन्होंने पिटिशन दिया, पब्लिक मीटिंग की, मेमोरेंडम चलाया, प्रोपागेंडा चलाया पैम्पलेट के माध्यम से, कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि हितबदी, संजीवनी, बंगाली, तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय, उन हितवादी, संजीवनी और बंगाली तीन पत्रिकाएं निकालता था। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका विरोध किया जाए। कृष्ण कुमार मित्र अपने जर्नल संजीवनी में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन
जागीर किया 1905 में, ओपनली कॉल्ड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड जनरल, अपने जनरल के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने बंगाल प्रोविंस में बारिसल में 1906 में बहुत ही जोरदार पॉलिसी कंडेम्ड किया, पॉलिसी ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द स्वदेशी एक्टिविस्ट के खिलाफ जो कुछ हो रहा था। द सेम ईयर उसी साल बंगाल गवर्नमेंट इशू द सर्कुलर बैनिंग फॉर सिंगिंग वंदे मातरम, उसी साल वंदे मातरम का प्रतिबंध लगाया गया था गाना में, किसी पब्लिक प्रोसेसर में इसको नहीं गाया जाएगा, ऐसी बात चल रही थी। लेकिन मित्रा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी दैट वॉज फॉर्म अपोज टू द मैन, जिस वंदे मातरम को गाने से गुनगुनाने से रोका गया था उसके खिलाफ उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बना दी वंदे मातरम के गाने के लिए। एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड द कलकत्ता 1906 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी जी, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, या फिर माफी चाहता हूँ मैंने उस समय पूर्ण स्वराज समझ लिया था इसलिए वो गलत हो गया था मुझसे, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात होगी जब कंप्लीट, तब वो कंप्लीट स्वराज की बात नहीं हो रही थी। तो सेल्फ गवर्नमेंट की बात तो ठीक है, ये 1906 में ही दादाभाई नौरोजी की तरह कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर हो। विच फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, न्यूज़पेपर और जर्नल एक तरफ दिया, दूसरी तरफ फाउंडर दिया हुआ है, सुधाकर, गोपाल गणेश अगरकर, उद्बोधन, स्वामी विवेकानंद और कॉमरेड अबुल कलाम आजाद। तो कॉमरेड सुधाकर सिर्फ गणेश जी अगरकर का सही है और दो भी सही है। सुधाकर जो है वो गणेश एक मतलब सुधाकर मतलब रिफॉर्मर, सुधाकर या सुधाकर सुधारकर एक न्यूज़पेपर था इंडिया में, इसकी स्थापना 1888 में गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा किया गया था। द न्यूज़पेपर वाज एन एंग्लो मराठी लैंग्वेज में था, एंग्लो मराठी लैंग्वेज, और ये पुणे से छपता था। उद्बोधन एक बंगाली पब्लिकेशन के द्वारा रामकृष्ण मठ के द्वारा प्रकाशित होता था, और इसके स्टार्टअप स्वामी विवेकानंद थे, उद्बोधन 1899 में। और कॉमरेड जो था वो एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर हुआ करता था, जिसको मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा 1911-14 के बीच में निकाला गया था, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड निकाला गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, युगांतर पार्टी या युगांतर पार्टी वॉज ए इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग द जिम्मारन प्लान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हो गया सोचिए, जिम्मारन प्लान, द एम ऑफ जिम्मारन प्लान या जिम्मारन प्लान जो भी हो, जिम्मर मैन प्लान वॉज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी इन इंडिया बाय द मीन्स ऑफ आर्म रेवोल्यूशन विद द जर्मन सपोर्ट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं देश में हमारा, कहाँ से उखाड़ फेंक देंगे, तो करेक्ट तो कोनो नहीं लगता है, देखते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी सही है, पहला तो गलत था ही। तो ये जो नेशनलिस्ट का बिलीव था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार विल बी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का बहुत अच्छा मौका है सोल्जर्स के अंदर, और एक्सपीरियंस करना है फ्रीडम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज से, अपॉर्चुनिटी टू यूज प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ एनिमी नेशन टू प्लॉट ए कॉप अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये कूप करना है एक तरह से अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनलिस्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार का मौका उठाया, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं देखिए। द रिवोल्यूशनरी डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेग वार, एक युद्ध छेड़ देना चाहिए था, उन्होंने सोचा ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक तरह से तख्ता पलट की बात चल रही थी,
और यूटिलाइज करना था इस अपॉर्चुनिटीज़ को कि ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश को भगाया जाए और भारत को आज़ाद किया जाए। इंडियन सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश वार, इंडियन ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को युद्ध में सपोर्ट भी किया था, फेल्ड हो गए थे। तो इंडियन सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश वार एफर्ट्स फेल्ड टू सी द इंपेरियलिस्ट पावर्स वेयर फाइटिंग टू सेव गार्ड देयर वन ओन कॉलोनीज एंड मार्केट। तो इस बात को अब समझ जा चुका था कि ये जो साम्राज्यवादी हैं वास्तव में ये अपने कॉलोनीज को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, इससे हम लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले वार ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड के समय युगांतर पार्टी ने अरेंज किया इंपोर्ट करने की कोशिश की जर्मन आर्म्स को और एम्यूनिशन को थ्रू दी सेम्फेथाइजर एंड रेवोल्यूशनरीज बो अबोर्ड, जिसके नाम थे जतिन रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की मदद से जर्मन से चाहते थे ऐसा ऐसा खतरनाक हथियार लाया जाए और उनका इस्तेमाल हम करेंगे इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। एमिंग टू ब्रिंग अबाउट ऑल इंडिया इन सर्सेक्शन वट वॉज कॉम, जिसको कहा गया है जर्मन प्लॉट, इसी का इसको ही जिम्मर मैन प्लान भी कहते हैं। युगांतर पार्टी स्टार्टेड, उन्होंने फंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, अने सीरीज ऑफ डेकोटीज और बहुत सारी डेकोटी डाली, जिसको बाद में टक्सीकेब डेकोइट्स कहा गया, टक्सीकेब डेकोटी, बोट डेकोटी, सो एज टू वर्क आउट द इंडो जर्मन कंस्पायरेसी, ताकि ये इंडो जर्मन कंस्पायरेसी, इट वॉज प्लान्ड दैट ए गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला फोर्स वुड बी ऑर्गेनाइज टू स्टार्ट द अपराइजिंग इन द कंट्री विद द सीजर ऑफ विलियम फोर्ट एंड म्यूटिनी आर्म बाय द फोर्सेस। बहुत भयानक प्लान बना रहे थे हम लोग, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। रेवोल्यूशनरी द प्लॉट वॉज लीक्ड आउट, का इस तरह से जिमर प्लान बाहर आ गया, कुछ हमारे दगेबाज लोग थे, अगर ये ना होता तो कुछ और होता शायद। पुलिस केम टू नो दैट वागा जतीन इन बालासोर वेटिंग फॉर डिलीवरी ऑफ जर्मन का आर्म्स। तो वागा जतीन जो है वो जर्मन हथियार की इंतजार कर रहा है, और जतीन एंड हिज एसोसिएटेड वेयर लोकेटेड बाय द पुलिस, पुलिस ने उसको धर लिया। देयर वॉज अ गन फाइट एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिवोल्यूशनरी वेयर इधर किल्ड और या अरेस्ट हो गया, जर्मन प्लॉट फेल हो गया। जतिन मुखर्जी को गोली मार दी गई और उनके जो हीरो थे डेड हो गए इन दी बालासोर उड़ीसा की नदी। तो अगर जिम्मर प्लान सफल होता तो देश की आज़ादी का रूपरेखा कुछ और होता, शायद हम लोग बहुत जल्दी कुछ कर बैठते, लेकिन जिम्मर प्लान हमारे कुछ दगेबाजों के चलते सफल ना हो सका। जर्मन हमें सहायता दे रहे थे, खतरनाक हथियार हमारे पास आ रहा था, लेकिन इसको ठीक ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी एमएन रॉय, मुजफ्फरपुर राजबिहारी बोस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी खुदीराम बोस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या खुदीराम बोस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपको मिलाना है तो मुजफ्फरपुर से खुदीराम बोस थे, राजबिहारी बोस मुजफ्फरपुर कान से, और कानपुर बोल्शेविक एमएन रॉय, एक ही सही है केवल। देखिए कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1924 में घटित हुआ था, एक कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी था जिनका नाम था एमएन रॉय, 1920 में उन्होंने सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी ताशकंद में, लेकिन जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उनका नाम था एमएन रॉय। अवरी मुखर्जी एंड अदर्स आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कमिंटर्न, एमएन रॉय वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड द लीडरशिप ऑफ कमिंटर्न, कमिंटर्न का एक तरह से लीडरशिप भी उनको मिला था। 1924 में मैनी कम्युनिस्ट जैसे कि एसन डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, उनको जेल हो गया कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी के चलते। तो एसन डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, उनको कानपुर बोल्शेविक केस के तहत, षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया, उन पर चार्जशीट
अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात करें हम लोग मुजफ्फरपुर कॉन्स्पायरेसी केस की, तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया था मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट का, मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड उस पर। हालांकि वो बच गया, मर जाता तो कुछ बात अलग होती। हालांकि उनकी वाइफ और उनकी जो बेटी थी मिस्टर जो भी हो मिस्टर कैनेडी, वो थोड़ा सा वॉज ए सिंपथाइजर ऑफ नेशनल मूवमेंट वेर किल्ड, जो नेशनल मूवमेंट के प्रति सिंपथाइजर रखती थी, मतलब थोड़ा सहानुभूति थी उनका, वो मर गई। इस प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड। हालांकि प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, खुदीराम बोस इससे भाग गए निकल कर, लेकिन उनको पकड़ लिया गया बाद में और फांसी दे दी गई। और उसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करते हैं 1912 में। ये दिल्ली षड्यंत्र कॉन्स्पायरेसी था टू असिनेट द वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड हार्डिंग को मारने का तैयारी था इसमें। ये ओकेजन चल रहा था ट्रांसफरिंग द कैपिटल, जब वो मतलब बात हो रहा था कि कैपिटल का ब्रिटिश इंडिया से, मतलब कोलकाता से न्यू दिल्ली जब स्थापना हो रहा था, उसी समय उन पर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया था। तो मुजफ्फरपुर कांड याद आ गया आपको, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पायरेसी 1908 में हुआ था, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी 1912 में हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल मूवमेंट। अब हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की। एनी वेसेंट का जो लीग था स्टार्टेड किया गया था बिफोर तिलक के लीग से पहले। बेसेंट्स लीग्स हैड ए पान इंडिया, पूरा भारत में था, जबकि तिलक का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और सेंट्रल प्रोविजेंस और बिहार में था। अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था ऑफ मॉन्टेग्यू और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। द अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू एंड मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वेयर इन्फ्लुएंस बाय द होम रूल एजिटेशन। तो इसमें सही है भाई, दो और तीन। होम रूल मूवमेंट वॉज एन इंडियन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द लेस चार्ज बट मोर इफेक्टिव वे देन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रोड took the form of romantic Gadar Adventure। देखिए prominent leaders इसकी बात कर लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट जी थी, खरपड़े जी हैं, सुब्रमण्यन अय्यर, जोसेफ बपिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना got together and decided that it was necessary to have a national alliance। एक राष्ट्रीय अलायंस जरूरी है, दैट वुड वर्क थ्रू आउट द ईयर, सालों भर काम करेगा। एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस की तरह, अनलाइक द कांग्रेस सेशन विच हैड एनुअल सेशन विद द मेन ऑब्जेक्टिव द डिमांडिंग द सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल की बात करी थी। ऑल ऑफ द इंडियंस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दिस अलायंस वॉज टू बी ऑल इंडिया होम रूल लीग अलोंग द लाइन्स ऑफ द आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पर इसको गठन किया गया था। तिलक सेट अप हिज इंडियन होम रूल लीग, तिलक ने अपना ही सेटअप किया अप्रैल 1916 में। तिलक हेल्ड द फर्स्ट होम रूल मीटिंग एट बेलगाम, तिलक का पहला जो मीटिंग था वो बेलगाम में हुआ। पूना वाज हेडक्वार्टर ऑफ हिज लीग, पूना उसका हेडक्वार्टर था। हालांकि उनका लीग जो था ना वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में था, वो महाराष्ट्र में था, एक्सक्लूसिव बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में था। छह ब्रांच उनके थे जिसमें इंक्लूडेड किया गया था स्वराज्य फॉर्मेशन एंड लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण की बात चल रही थी। एजुकेशन इन द वर्नाकुलर प्रेस में होना चाहिए था, वर्नाकुलर में होना चाहिए था। एनी बेसेंट उन्होंने अभी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर में की 1916 में, तो अप्रैल में शुरू किया गया तिलक के द्वारा और सितंबर में 16 में मद्रास में जो अभी चेन्नई में है वो पूरे भारत में, रेस्ट ऑफ द इंक्लूडिंग मुंबई सिटी, तो मुंबई सिटी में भी ठीक है। तो
जहाँ कर्नाटक को छोड़, सब नहीं, जो जो मतलब इलाका बच गया था उसको, 200 इसके ब्रांच थे, ब्रांच की संख्या इनकी ज़्यादा थी, लूजली ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू तिलक्स लीग। ये थोड़ा सा बहुत मतलब जोरदार नहीं था, तिलक का जोरदार था, और जॉर्ज ओरिजिनल जो उनको सेक्रेटरी बनाया गया था। इसके अलावा जो बिसाइड अरुणडेल द मेन वर्क वॉज डन बाय द वाडिया, BW वाडिया और रामा स्वामी अय्यर के द्वारा काम किया जा रहा था। कुछ फायदे बता देता हूँ मैं, जैसे कि मास सेस को परमानेंटली रूप से, मतलब अब जो तो होमरूलिंग का जो फायदा था, इम्फेसिस शिफ्टेड टू दी मासेस परमानेंटली। अब जो मास को जोड़ने की विचार हो गई थी, मतलब बहुत जनसंख्या जरूरी था, और नेशनल लिंक स्टेब्लिश बिटवीन दी टाउन एंड कंट्री इन्फ्लुएंस इन 1917 डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग्यू एंड मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, डेफिनेटली इसको प्रभावित तो करना ही था। प्रिपेयर द जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट को बनाने में भूमिका इनका रहा, और साथ साथ इन्फ्लुएंस द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन में इनकी भूमिका रही। तो सबसे बड़ा भूमिका तो यही है लखनऊ सेशन। दूसरा है कि कहीं ना कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो बात की गई वो बहुत हद तक उससे प्रभावित तो था ही, उसकी मांगों से प्रभावित तो था ही। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फॉर्म ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वेयर रिलेटेड टू एजुकेशन, कौन कौन सा इसमें एजुकेशन से जुड़ा हुआ, बहुत ही, सैडलर कमीशन, हार्टोक कमीशन, बॉबिंगटन समिति, रेले कमीशन। तो इसमें रेले कमीशन है, सैडलर कमीशन है, हार्टोक कमीशन है, बॉबिंगटन कमीशन की स्थापना आई थिंक 1-3-4 तो नहीं हो, 1-2-4 इससे डी। देखिए 1917 में भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर कमीशन कहा गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना जब होती है, मतलब अपॉइंट किया जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का, जिसको आगे चल के सेडलर कमीशन भी कहते हैं, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी को समझने के लिए बनाया गया था, जिसमें माइकल सेडलर वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, माइकल सेडलर जो थे वो वाइस चेयरमैन थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेडलर कमीशन 1917 में। और अगर पूछा जा सकता है कि सेडलर कमीशन में दो भारतीय जो इनको जिनको इंक्लूड किया गया था, उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, दो ऐसे व्यक्ति थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। रही बात 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत सर फिलिप फोर्टॉप के समय, तो रिव्यू करना था उनको कि राज्य का एजुकेशन किस प्रकार का है, स्टेट ऑफ एजुकेशन। वाइल प्रिपेयरिंग द मेथड्स ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च, हार्टोक कमिटी कंप्लेंट अबाउट द फीलिंग स्टैंडर्ड ऑफ सम यूनिवर्सिटी, फॉलिंग स्टैंडर्ड मतलब यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत गिरा हुआ है। कमिटी रिकमेंडेड टू गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्सोलिडेट रादर देन द डिफ्यूजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसने प्राइमरी एजुकेशन को बोला भाड़ में जाए, प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले दिमाग लगाओ, ये एथी में यूनिवर्सिटी का स्तर कितना गिरा क्यों है, यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया जाए पूरा। उसने प्राइमरी एजुकेशन को एक तरह से दरकिनार कर दिया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग बॉबिंगटन समिति की, तो ये समिति चेम्सफोर्ड के समय 1919 में आया था, ये उस समय करंट सिचुएशन को देख रहा था, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द कमीशन ऑन एजुकेशन, जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ थॉमस रेले, लॉर्ड कर्जन के समय थॉमस रेले 27 जनवरी 1902 को इंक्वायरी कर रहा था ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड रिकमेंड द प्रपोजल फॉर इम्प्रूविंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्किंग। एज अ रिजल्ट द रिपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशन कमीशन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसका परिणाम है, तो ये परिणाम है थॉमस रेले के कमीशन का। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।